बहराइच पयागपुर शनिवार को विकासखंड पयागपुर मुख्यालय के सभागार में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र बहराइच के तत्वाधान में युवाओं के अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला युवा अधिकारी प्रज्ञा पांडे के निर्देशन में यह आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों युवक शामिल हुए। सर्वप्रथम युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर खंड विकास अधिकारी सौरभ पांडे ने कहा कि युवाओं को नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, उन्हें सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, उनके अंदर राष्ट्रीयता और मस्तिष्क में देश प्रेम की भावना अधिक से अधिक होना चाहिए। बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हरिओम रस्तोगी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की शान है, युवाओं की ताकत से ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। साथ ही युवाओं और महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और युवाओं से आगे बढ़कर समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मतदान की प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में अध्यक्षता राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनुराग सिंह ने की और साथ ही साथ आपको बता दें कि संचालन स्वास्थ्य विभाग से ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक अनुपम शुक्ला ने किया। कार्यक्रम प्रभारी अनुभव शुक्ला और स्वयंसेवक पयागपुर ने सभी मुख्य अतिथियों को बैच लगाकर स्वागत किया। इसके बाद नेहरू युवा संगठन केंद्र के बारे में युवाओं को बताते हुए कहा कि नेहरू युवा केंद्र अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए मंच प्रदान करती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को आगामी चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित किया और युवाओं को सरकारी चाइल्ड हेल्पलाइन और साथ ही साथ अन्य नंबर्स की जानकारी दी। इसमें 1098, 181, 1090, 1076, 1075 और 112 नंबर्स की जानकारी दी। इस दौरान रवि निषाद, कुलदीप गौरव, रवनीत, मृत्युंजय, सुमित, नीरज, वैभव और महेश के साथ सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित थे।